और ये कुछ दूसरा होटल है और होटल के सामने वादी ऐसा है कुछ। ओए होए होए, बर्फ गिरी हुई है थोड़ी थोड़ी। अभी हम जा रहे हैं नीचे, एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं गुलमर्ग। स्लोली गाइस, हम कर रहे हैं अभी गुलमर्ग में ट्रैक, हम जा रहे हैं मार्केट एरिया। हमारा होटल कहीं समवेयर वहाँ पे, हम कच्चे रास्ते से आ रहे हैं और जा रहे हैं मार्केट साइड। सो बर्फ कम है, दिसंबर का महीना, बर्फ कम है, पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग क्या वार्मिंग। लोग भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिसंबर में तो बर्फ 8-8 फुट होती है, मतलब गुलमर्ग के नीचे, गुलमर्ग के ऊपर वाले में तो 14-15 फीट बर्फ होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बर्फ मिला है अभी। मागम, इस मार्केट का नाम है मागम मार्केट, मोए मोए सिटी। ये बिल्डिंग देखिए कितना पुराना है, ये चाचा जान क्रॉस कर रहे हैं रोड। प्रॉपर, ये प्रॉपर मार्केट है जैसे दूसरे सिटीज़ में होता है, भीड़ भाड़, बच्चे सब जा रहे हैं अपने अपने मालों के साथ शॉपिंग करने, स्कूल फैमिली निकली हुई है। ये बसेस है पूरा, ये देखिए बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट। ये अजान हो रहा है, सुंदर है भाई। आओ गाइस, आओ घूमो, लोग भी बेहतरीन, खाना पीना तो बहुत अच्छा, जो चाहिए मिलेगा। तो मनीषा आ गई है सैफरन के खेत देखने। हम जा रहे हैं पहलगाम गुलमर्ग से, और ये है सैफरन के खेत, केसर का फूल। ओके, ठीक है। हाँ। तो फूल में होते हैं 6 किस्म, 2 किस्म के। ओके। एक होता है लाल और एक होता है हरा। अच्छा, तो वही वो लाल वाला है, वही केसर होता है। ओके, ये घास जैसा ही है ना। हाँ, ये है। मतलब ये इसको अंदर से होती है, वो फूल को होती है ना, वो मतलब जैसे आलू होता है। हाँ। वैसे उसको अंदर से होता है, मतलब जड़। हाँ, अभी कुछ नहीं है इसके जड़ में। केसर अभी। तो यहाँ पे आए हैं फार्मर्स सैफरन कंपनी में, जो कि हाईवे के ऊपर है और सैफरन खेत के बगल में है। यहाँ पे बाई करते हैं सैफरन, कुछ घर के लिए, कुछ गिफ्ट्स के लिए, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं केसर, सैफरन के भी नाम से इसको लोग जानते हैं। ये इसकी खेती बाड़ी पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में खाली यहाँ से होती है। Okay. कश्मीर में यही जगह है, इसको कहते हैं लेथपोरा पांपोर। ये आपका डब्बा लाखों का होगा अभी नहीं, मतलब लाख का होगा, लेकिन 2.5 लाख का पड़ता है केजी, अगर कोई केजी लेगा तो 2.5 लाख का। लेकिन असल में पर ग्राम अगर आप पूछोगे किसी से, 270 रुपीज पर ग्राम मिलता है मार्केट में। ओके, लेकिन होना चाहिए कश्मीरी प्रोडक्ट। ओके जी, इसकी पहचान 2-3 तरीके से की जाती है। पहला तरीका क्या है, 1-2 तीली मुंह में डालो और आगे वाले दांत से इसको चबाओ, हाथ पे दिखाओ फिर चबाओ, पूरा मुंह में डालो, फिर एक दूसरे को दिखाओ कि कलर कैसा आएगा। मुंह में डालो सर पूरा, आगे वाले दांत से इसको प्रोसेस करो, चबाओ चबाओ। हल्का सा ही टेस्ट में कड़वा आना चाहिए, येलो आ गया ना, वो टेस्ट, वो कलर है, पीला कलर देता है, इसको कहते हैं येलो कलर, येलो कलर देता है। लेकिन जो छोटे छोटे पीसेस करोगे ना, वो भी लाल के लाल ही रहेंगे, इसकी ओरिजिनलिटी की पहली पहचान रहती है। दूसरा तरीका पहचानने का होता है, अगर इसको हम पानी में डालेंगे ना, तुरंत कलर नहीं छोड़ता है, ये धीरे धीरे अपना कलर छोड़ता है। और अगर इसको हम खीर में, दूध में, बिरयानी में,
उबालेंगे, उबालते समय इसका कलर जल्दी उतर जाता है, लेकिन जो सिटेंट रहती है ना, तीली जो रहती है, वो गुलती नहीं है, गुलती नहीं है, गुलनी नहीं चाहिए। अगर वो पानी में या दूध में किसी भी रोट में गुल गई तब डुप्लीकेट है। ओके, पैकिंग की अगर हम बात करेंगे, पैकिंग मिलेगा आपको यहाँ पे। तो गाइज ये है कार्ड सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सर मेहराजुद्दीन ठोकर, और सर आपका यूट्यूब आप मेंशन कर रखे हो, हजीर राज के नाम से, HAZEEN RAAJ। ये मेरी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने रिगार्डिंग ये फार्मिंग रिगार्डिंग सैफरान के मुतालिक, या जो हमारा सेब का यहाँ पे बैकबोन ऑफ कश्मीर उसको कहते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियोज डाले उस पर, आप उस पर देखिए, नॉलेज मिलती है उसके। तो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पुलवामा, जहाँ पे बहुत पहले इंसिडेंट हुआ था, बट यहाँ पे तो बहुत सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आर्मी ऑफिसर्स कुछ खड़े हैं, लेकिन बहुत शांत है, लोग अच्छे हैं। क्विक होल्ड बिफोर रीचिंग पहलगाम। तो ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट, यहाँ पे ड्राइवर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी कश्मीरी पंडित रहते हैं इस एरिया में। वेरी नाइस एरिया, बहुत सस्ता मिलता है। सभी शीप्स थी इतनी सारी उधर। अरे नहीं यार, उसके लिए नहीं, वो ऐसे ही नाम है। ये क्या रोड है यार, हाय से हेलो टू माय सब्सक्राइबर, बोल दो नायरा लव्स यू ऑल। कितनी सुंदर जगह है, अखरोट के पेड़ है। कहाँ ये अखरोट के पेड़ है भाई। चले हुए कम से कम 4-4.5 घंटे हो गए, और हम चाहते नहीं कि ट्रिप एंड हो। इतनी सुंदर यू नो टेरेंस एंड मेडोज, और हम लोग इतने अच्छे अच्छे रोड से जा रहे हैं, बहुत सुंदर। क्या बोलती है मनीषा, देखो ये पीछे लगी है, देखो पीछे दिख रही है, बहुत सुंदर, कोई शब्द नहीं है। पहलगाम मार्केट बॉयज एंड गर्ल्स, सिक्योरिटी टाइट है सब हमारे सर्विस के लिए। ये पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़, राइट हैंड साइड पे होटल्स ही होटल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़, उसके नीचे पानी। ये है प्रॉपर हिल स्टेशन स्टेकेशन। हाय, गुड मॉर्निंग, ये क्या कर रहे हैं, नोजू जी क्या निकाला। तो ये है अपना रूम, ये रूम के बैक साइड का व्यू, पहाड़ों पे बर्फ है, और ये है सामने का व्यू। गाइस गुड मॉर्निंग, हम हैं पहलगाम कश्मीर में, चौथा दिन, और पहलगाम में पहला दिन। ये है हमारा होटल, रात को बहुत प्यारा दिख रहा था, सुबह उससे भी प्यारा दिख रहा है। लेकिन हाँ ये बात भी सही है, हमें बर्फ़ नहीं मिली, हम दिसंबर में फिर भी बर्फ़ नहीं मिली। यहाँ के लोग बता रहे कि ऐसा बहुत रेयर होता है। और ये है होटल का पार्क, जहाँ पे मनीषा नायरा ऑलरेडी आ गए और इन्जॉय कर रहे हैं, और हमने
हमने आज यहाँ पे बुक कराया, जब भी आप पहलगाम आना ये तीन जगह तो जरूर जाना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे काफ़ी लोकल फ्रेंड्स हैं कश्मीरी, जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था बेंगलोर में अपने ग्रेजुएशन टाइम के टाइम, तो वो यहाँ के लोकल है और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया ये तीन जगह जाना। पहलगाम जब आओ तो उसका नाम है ABC, आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, ये तीन जगह जाना है आपको। तो उस गाड़ी हम गाड़ी कर लिए, गाड़ी ने लिया है 2350 रुपये, जो कि 3 या 4 घंटे में ये लोग कवर कर देंगे। बहुत सुंदर धूप निकला हुआ है और बस ये प्रॉपर्टी और देखो प्रॉपर्टी के पीछे कितना सुंदर बड़ा बड़ा पहाड़। मनीषा स्नो पैंट में, लेकिन स्नो मिला नहीं अलग बात है। और होटल वाले बता रहे थे पूरा बर्फ़ हो जाता है, होटल वोटल सब ये सब पूरा बर्फ़ हो जाता है, ये पूरे बर्फ़। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बर्फ़ के लिए नेक्स्ट टाइम आएंगे अगर मौका मिला, किस्मत रही। और अभी चलते हैं ABC। गाइस ये है चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी यहाँ। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है पैदल, 32 किलोमीटर्स है जो कि 3 दिन में कंप्लीट होती है, घोड़े में 2 दिन में। बहुत सुंदर है, बर्फ़ तो इतना गिरा नहीं है, लोग बोलते हैं पूरा बर्फ़ बर्फ़ हो जाता है, लेकिन आपको दिखाता हूँ ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, ये इतना ही बर्फ़ है अभी। तो गाइज़ हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया, वहाँ पे बोल रहे कुछ ब्लास्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा बाय द वे दिस इज़ द वे टू अमरनाथ, ये अभी बंद है, यहाँ तक आम पब्लिक यहाँ तक आ सकती है ठंड में, इसके बाद नहीं जा सकती, रास्ता क्लोज है। चलो अमरनाथ जी, तो ये है वो पवित्र जगह जाने का रास्ता। हम जा रहे हैं घोड़े पे, घोड़े की सवारी करने और घोड़ा उतरेगा पानी में। वाह 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 वाह, फुल ऑन। जो हमारा जांजीबार में मिस हो गया था वो हम कश्मीर में कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बजरंगी भाईजान का शूटिंग जहाँ पे हुआ वहाँ पे, और अभी हम जहाँ पे थे यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई जगह, जो कि मैंने बोला तुमको भी मिला है। हाँ हाँ ठीक है, चढ़ाई है ना, तो ट्रिक ये है कि घोड़े के सामने आगे झुक जाना है, मानना पड़ेगा भाई घोड़े का भी हिम्मत। बजरंगी भाईजान वो यहीं पे हुआ है, ये वो बॉर्डर बनाया था, ये बॉर्डर बनाया था बजरंगी भाईजान के, वो पानी रहता होगा सर, वो पानी वो नदी तो बीच में आ रहे हैं ना, वो नदी वही है, वो गांव उसमें दिखता है पाकिस्तान। ओके सब वो लास्ट वाला घर है ना, ये मुन्नी का घर, मुन्नी का घर वो लास्ट वाला। तो गाइज़ हम एक आगरा, मेरी डॉटर वो रूम में मोबाइल देख रही है और मैं आ गया, मैं और मनीषा आ गए थोड़ा होटल के बाहर वॉक लेने के लिए। और होटल के बाहर कैसा है देखिए, ठीक होटल के बाहर यहाँ पे एक नदी जा रही है। सो गाइस चलो, इक्कू का मिल्क की टाइम है और मनीषा का चाय टाइम है, हम जा रहे हैं इस होटल के प्राइवेट डेक पे। ये होटल बहुत सुंदर है, इस होटल का नाम है पाइन स्प्रिंग। ये वाह, ये कहाँ आ गए नहरा, ठंडू है ना,
चलो बाहर चल के देखते हैं। ईको का रूम देख लो, ईको का रूम है, ये हमारा रूम, ये है हमारा रूम। इवनिंग का टाइम है, जागरा को दूध पिलाया जा रहा है क्योंकि 10 दिन से दूध नहीं पी रही है और दूध के साथ उसे कुछ मिला नहीं है तो शुगर खा रही है। देखो यहाँ पे हीटर ऑन है। आज लास्ट नाइट है पहलगाम में, कल हम सुबह 11 बजे छोड़ देंगे ये होटल और जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर में सेम होटल में स्टे कर रहे हैं, आर के सरोवर। तो हमारा फर्स्ट डे शिकारा राइड मिस हो गया था, तो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे शिकारा राइड करने और फिर कॉफ़ी पियेंगे और लंच करेंगे, डिनर करेंगे और परसों 12 बजे की फ़्लाइट है जम्मू के लिए। सो टुडे इज़ अ सेकेंड डे इन पहलगाम और हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम जाएंगे आज श्रीनगर वापस। बहुत सुंदर होटल रहा, बहुत सुंदर स्टे रहा, सब कुछ अच्छा और करते हैं बाय बाय पहलगाम को। टिकट है तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर और श्रीनगर का पहलगाम से श्रीनगर के बीच में एक पार्क आया, पार्क में रुके हैं, देखते हैं पार्क कैसा है। मॉर्निंग, लास्ट डे इन कश्मीर, जन्नत। देखो व्यू ऐसा है कुछ हमारे रूम से। तो हमने इस ट्रिप में, ये बाहर पूरा फॉग है, ये स्नो नहीं है, हमें अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं, स्नो नहीं मिला, ये भी पूरा स्नो हो जाता है। और ये आपको सूरज दिखाई दे रहा है कैमरा में, आ रहा है सूरज? चलो कोई नहीं, आपने देखा होगा टाइम लैप्स में भी। तो यस, जैसा कि मैंने बोला, लास्ट डे इन कश्मीर, जन्नत। और आज हम जा रहे हैं जम्मू, जम्मू में 2 दिन का स्टे है और उसके बाद बैक टू पेविलियन दुबई। तो यहाँ पे करते हैं कश्मीर ट्रिप का दी एंड। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो कोई ज़रूरत नहीं। और फिर नेक्स्ट ट्रिप है लंदन।